much. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन उस मंच पर आपका स्वागत करता हूं जहां मेहनत का रंग है, जीत की उमंग है और आपका संग है। सप्त कोटि महासम्मान, कौन बनेगा महाकरोड़पति? देवियों सज्जनों, एक पप्पू जी हैं, वो पप्पू जी मिल गए एक दिन हमें और कहने लगे, अंकल आप खेल में हमेशा दूसरों से पहेली पूछते रहते हैं, आज मेरी पहेली का आप जवाब बताइए। और वो पहेली है ये, ऐसा फल जो सबको मिलता, हर मौसम में ढेरों फलता, कभी न सड़ता कभी न गलता, खाते इसको मिले सफलता, न ये किसी दुकान में बिकता ना ये किसी बागान में उगता, बिल्कुल मुफ्त है इसका दाम, बोलो क्या है इसका नाम? तो मैंने कहा, पप्पू बेटे इस फल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं भी खाता हूँ और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो भी इसे खूब खाते हैं, और ये फल तो कौन बनेगा महाकरोड़पति के आंगन में फलता फूलता रहता है। इस फल का स्वाद हमेशा मीठा होता है और इस फल को खाने के बाद जिंदगी का चेहरा खुशियों की चमक से खिल उठता है। इस फल का नाम है मेहनत का फल। अपनी मेहनत के दम पर ही समाज को और दहेज मांगने वालों को जवाब देने के लिए इस हॉट सीट पर आप पहुंची हैं कौशल्य कुमारी जी। ये भोजपुर बिहार से हैं, एक प्राइमरी टीचर हैं ये, और पिछले हफ्ते इन्होंने ऑडियंस पोल की सहायता से जीत लेते 20,000 रुपये। कौशल्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जब ये छोटी थी और शायद इनको भी नहीं पता है, ये देवानंद साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी और ये ऐसा मानती थी कि देव साहब जो हैं वो बहुत यंग हैं, कुंवारे हैं और ये उनके साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसा था कि मैं पहले जब भी टीवी देखती थी तो मैं वही सोचती, जो भी जो फिल्में दिखाते हैं, जैसे कि आपके जब भी आप यंग थे तभी जो फिल्में दिखाते थे, मैं सोचती थी कि बहुत धन्यवाद कि आपने हमको नहीं सर आप अभी भी वृद्धावस्था में तुरंत पहुंचा दिया है। नहीं सर आप अभी भी यंग हैं, तो मैं यही सोचती थी कि जो अभी दिखा रहे हैं वैसे ही उसी एज के ही हैं। तो मैं जब भी 12-13 इयर्स की थी तब मैंने देवानंद की एक मूवी देख रही थी मैं, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मैं शादी करूँगी तो इन्हीं से करूँगी। तो फिर कुछ टाइम के बाद मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि देवानंद जो हैं वो मैरिड हैं, तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। मैंने सोचा कि अब मेरा जीना कुछ नहीं है। 12 साल की उम्र में आप ऐसा सोच रही थी? यस। तो मैं किचन में गई, मैंने नाइफ उठाया, बट मैंने वहाँ से हमारी टीवी देखती है, मैंने देखा कि टीवी पे अमिताभ बच्चन को, तो फिर मैंने मेरा माइंड डाइवर्ट। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हमारे बारे में बात हो रही है। हाँ। सर फिर जी, फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। फिर से बोलिए एक बार, अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है कान में। सर मैंने आपको देखा, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। अरे क्या बात है। तो मैंने सोचा कि देवानंद से ज्यादा हैंडसम अमिताभ बच्चन है। तो मैंने सोचा कि उधर नहीं मिले तो क्या हुआ, अब इधर, अब इधर कोशिश करती हूँ। एक क्यारी आपको नहीं मिली तो सोचा चलो दूसरी क्यारी पे चल पड़ते हैं। Yes. अच्छी भावना है आपकी कौशल्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका। मैं स्टेबल नहीं रहती हूँ, मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता। अच्छा। यस सर, ये मेरी प्रॉब्लम है। विचित्र स्वभाव है आपका। आपके पिताश्री आपके पीछे बैठे हुए हैं। शिव कुमार जी प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। कौशल्या जी बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब कुछ यहाँ की खेल की बातें की जाए। पिछले हफ्ते जब हम खेले थे आपके साथ 20,000 रुपये आप जीत गई थी, और 3 लाइफलाइन बची हैं, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। त्रिगुणी जो है वो पिछले हफ्ते से अब बदल गई है। स्वागत आप तीनों का बहुत बहुत। इनका परिचय मैं देना चाहता हूं देवियों सज्जनों। विश्वास चंद्रवस्कर जी हैं, ये भोपाल से हैं और KBC में पिछले सीजन में ये 25 लाख रुपये जीत चुके थे। रमा आनंद जी उनके बगल में बैठी है, ये BSc कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और पिछले जो हमारा KBC का सीजन थे वहाँ भी इन्होंने 25 लाख रुपए जीते। और उनके बगल में बैठे हैं जॉय भट्टाचार्य जी, ये क्विज मास्टर होने के साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम डायरेक्टर भी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट की टीम IPL की। इसे जी थोड़ी सी देवियों सज्जनों, थोड़ी सी भूमिका कौशल्या जी के बारे में मैं देना चाहूँगा।
ये एक ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ पर इनकी एक बहन है और उनका ये ब्याह करवाना चाह रही हैं। इनको इस बात का कष्ट है कि उसके ब्याह के लिए दहेज मांगा जा रहा है, जो कहने में हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि दहेज जो है ये एक इलीगल कार्य है और बड़ा दुख होता है इसके बारे में चर्चा करने में। लेकिन एक ये मकसद उनका था कि ये धनराशि जो है वो। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं ये दहेज के रूप में नहीं देना चाहती हूँ। नहीं, दहेज के रूप में नहीं, कम से कम आप सक्षम हो जाएं अपने बल पर खड़े होने। हाँ सर, जो वो हमें एहसास दिलाते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। जी बिल्कुल, तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, पैसे के साथ नारी को मत तौलिए। बिल्कुल सर, हम लोग बिकने की चीज नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कौशल्या जी, आप सक्षम हो, प्रबल हो और यहाँ पर खूब सारी धनराशि जीत कर जाएं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न आ रहा है जो खेल का चौथा प्रश्न है और जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। और वो प्रश्न है ये, इस गाने से गायक को पहचाने। गाने वगैरह सुनती हैं कि नहीं आप? यस सर। ओके, गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। मुस्कुराती चली जा रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये गाना सुनकर। यस सर। अभी ABCD रखूंगा तब देखता हूं आपकी हंसी रहती है या नहीं। ए सोनू निगम, बी सलमान खान, सी अक्षय कुमार या डी शान? बी सलमान खान। आहा, क्या चेहरे की मुस्कान है आपकी, क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए, सलमान खान बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है आपका उत्तर, 40,000 रुपए जीत गई आप। इस गाने का नाम है हैंगओवर और फिल्म का नाम था किक। बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रख्यात, और आज आपने साबित कर दिया है कि आपकी जो मनस्थिति है जो बदलती रहती है वो अब मुझसे हट करके सलमान खान पे चली गई है। नहीं सर, आप मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। अच्छा, ये ऑल टाइम आपने अभी लगा दिया है ऐसे ही? नहीं सर, तभी मैं 12 और 13 इयर्स की थी जब मैंने आपको ये पहली बार देखा था। क्या बोल रही हैं, 12 और 13 पे देव साहब थे आपके साथ। सर लेकिन उसके बाद आपके पास आई थी ना मैं। कहाँ आई थी आप मेरे पास? सर 12 और 13 में मैंने आपको देखा था, तब से आज तक आप मेरे दिमाग से नहीं उतरे हैं। एक सेकंड सर। जी जी सर, मेरी एक ख्वाहिश है। उत्तर दीजिए पहले, उसके बाद ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके लिए आपको 80,000 रुपए मिलेंगे अगर आपने सही उत्तर दिया तो। पांचवा प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सा महाद्वीप बाघ का मूल आवास है? विच कॉन्टिनेंट इज द टाइगर नेटिव टू? ऑप्शन सुनिए, ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका या डी अमेरिका? ए एशिया। शोर है? अच्छा, मेरे चेहरे के ऊपर जवाब नहीं लिखा हुआ है सर, मैं डबल डिप यूज करना चाहती हूं। शांत हो जाओ टिकटॉक जी, डबल डिप इस्तेमाल करेंगी। कमीरो जी, डबल डिप अंकित किया जाए। कौशल्य कुमारी जी, ना आप गेम क्विट कर सकती हैं अब, ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकती है। अपना पहला उत्तर बताइए। ए एशिया। कमीरो महाशय, एशिया ए पे ताला लगा जाए। I was right. You were right. It's absolutely correct. अधिकांश बाघ जो हैं, टाइगर जो हैं, वो एशिया में पाए जाते हैं, खासकर चीन, दक्षिण पूर्व एशिया या कोरिया से रूस तक। भारत तो है ही, आपको तो पता होगा, उनकी संख्या थोड़ी कम हो रही है और बहुत सा प्रयास किया जा रहा है कि उनकी संख्या जो है वो और बढ़े। ओके, चलिए कौशल्या जी आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ रहा है और इसके लिए आपको मैं दे सकता हूं 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा, उत्तरी गोलार्ध में समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म आयनांत
जब साल का सबसे लंबा दिन होता है किस तारीख के आसपास पड़ता है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अराउंड विच डेट डज द समर सोल्स्टिस एट द टाइम ऑफ द लॉन्गेस्ट डे अकर? ठीक है, अब ऑप्शन सुनिए. ए 31st मार्च, बी 22nd जुलाई, सी 21st जून या डी 23rd ऑफ मे. 21 जून तो इंडिया में होता है, बट इंडिया किस तारीख के आसपास पड़ता है जब साल का सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध यहाँ दे दिया है तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ. मुझे पता नहीं है कि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में. सोचिए, दिमाग लगाइए. सर लाइफलाइन. शांत हो जाए टिकटॉक जी. दो बची हैं आपके पास, कौन सी? त्रिगुणी. त्रिगुणी. ओके, अभी महाशय त्रिगुणी को अंकित किया जाए और हमारी बहुत ही प्रख्यात त्रिगुणी यहाँ पर मौजूद है. 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब. कौशल्या जी, आप सी 21 जून पे जाइए. जून इज ट्रेडिशनली द लॉन्गेस्ट. दिसंबर शॉर्टेस्ट होता है, जून लॉन्गेस्ट होता है. एंड इंडिया वर्ल्ड कप जीती 83 में, 25 जून के आसपास सबसे लंबा टाइम होता है उसी टाइम यूएस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. श्योर है? श्योर. 21 जून जाइए आप. तो लॉक करवा दूं? लॉक करवा दूं. सर सी को लॉक कर. 21 जून कह रहे हैं त्रिगुणी और आप भी कह रहे हैं इसको ताला लगा दिया जाए. 21 जून सी पे ताला लगाया जाए. त्रिगुणी बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने. 1,60,000 जीत गए आप. At the summer solstice, the sun travels the longest path through the sky and that day, therefore, has the most daylight. Falls between 20th to 22nd June. This year, it was 21st June. और आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष आपको मालूम नहीं कि कौन सी हेमिस्फीयर में? सर सर मैं थोड़ा मेरा जियोग्राफी का सेक्शन है वो बहुत थोड़ा वीक है. जियोग्राफी का सेक्शन जो है आपका वीक है. यस सर. स्ट्रांग क्या है? स्ट्रांग पता नहीं क्या है. देवानंद साहब से छोड़ के अलग. यस सर, ये वाला पॉइंट बहुत स्ट्रांग है. हाँ, ये स्ट्रांग है. चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आप प्रयास कीजिए. ये है खेल का दूसरा पड़ाव. इसके बाद ये टिकटॉक जी शांत हो जाएंगी. सातवां प्रश्न है ये. ठीक है, तैयार हो जाइए. एक ही लाइफलाइन बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा. 3,20,000 रुपए का प्रश्न आपके सामने ये रहा. स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले राजनेता कौन हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने? हु इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन सुनिए. ए राजीव गांधी, बी एच डी देवेगौड़ा, सी इंद्र कुमार गुजराल या डी नरेंद्र मोदी. सर डी नरेंद्र मोदी. श्योर है? ताला लगाने लायक? पक्का. पक्का. ओके, डी जो ऑप्शन है उसे ताला लगाया जाए. कमिरो महाशय, ये बिल्कुल सही है आपका उत्तर और 3,20,000 रुपए आप जीत गए. एक चेक आ रहा है आपके नाम. बहुत बहुत बधाई आपको कौशल्या कुमारी जी. ये रखिए आप अपने पास, आपका हो गया. मैं बता दूं आपको कि राजीव गांधी जी का जन्म 1944 में हुआ. एच डी देवेगौड़ा साहब 1933, इंद्र कुमार गुजराल जी 1919, नरेंद्र मोदी जी 1950. मैंने ऐसे गेस किया कि ये लोग पहले बन चुके थे पीएम. नरेंद्र मोदी जी अभी बने तो जरूर उनका आज वह अच्छा. बड़े विचित्र तरीके से आपका दिमाग चलता है ये हमने देखा है. सर मैं बहुत विचित्र हूँ. बिल्कुल, ये साबित कर दिया आपने. 3,20,000 रुपए काफी मायने रखते हैं आपके जीवन में. बिल्कुल सर. किस लिहाज से? बहुत सारे लिहाज से सर, क्योंकि अभी हमारा जो है अभी हमारा घर नहीं है. मेरे पापा जो हैं वो जॉब करते तो उनको क्वार्टर मिली हुई है, तो उनकी नौकरी अभी 4-5 साल की बची हुई है, तो उनके बाद फिर वो रिटायर हो जाएंगे तो हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे. इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अपनी ज़मीन लेकर घर बना लें जी, और उसके बाद फिर दीदी की शादी. बहन की शादी जो है वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है? बहुत ज़्यादा सर. जी जी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उस वजह से फेस किया है.
इस वजह से नहीं कि हमारी दीदी की शादी नहीं हुई, इस वजह से कि लोग मतलब उनकी मेंटलिटी क्या हो गई है, क्या सोच रहे हैं वो। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं लड़कियों को पढ़ाना गलत है, कभी कभी ऐसा फील होता है सर कि नहीं वो सही सोचते हैं। क्यों पढ़ाए लड़कियों को जब उनकी पढ़ाई को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है? पढ़ाया लिखाया, पीजी कराया, पीएचडी कराया, जॉब भी लगाई, फिर भी डिमांड्स बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। आप जितना पढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो डिमांड करते हैं जी। सर 4 सालों से हम दीदी की शादी की ये बात चल रही है जी, जी। हर जगह से बात कट जाती है, बात फाइनल होते होते जब पैसे की बात आती है तो बात कट जाती है। सर हमारे पापा ने कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं कर रखी है, जो भी था हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हम लोगों को शिक्षित करने में लगा दिया। आप दहेज के दबाव में कभी मत आइएगा और ना ही आप उससे और दबिएगा भी मत। मैं कभी भी नहीं आऊंगा और हम सब उम्मीद करते हैं कि आपकी और आपकी बहनों की शादी अच्छी तरह से हो जाए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर सर मैंने पहले भी बोला था, मेरी एक ख्वाहिश है सर। हाँ हाँ। क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठ के खेल रही हूँ जी। तो सर मैं एक बार आपको हग करना चाहती हूँ। आप मुझे हग करना चाहती हैं? यस सर। वहीं बैठे रहिए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है। कौशल्य जी तैयार हो जाइए। 6,40,000 रुपए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में उपलब्धि हासिल करने के लिए दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए फुटबॉल, बी शूटिंग, सी आर्चरी या डी रेसलिंग? सी। सी आर्चरी। श्योर है? हाँ, सी को लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय आर्चरी सी पे ताला लगाइए। मुझे पता है सर मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए आप कितना भी मुझे डरा लो मैं नहीं डरूंगी। मैं डराने की कोशिश कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि कैसे आपने इतनी जल्दी उत्तर दे दिया और वो भी सही उत्तर, बिल्कुल सही। 6,40,000 रुपए। दीपिका कुमारी जो है वो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ओलंपिक्स आर्चरी में जी। झारखंड से। ओके। एक चेक आ रहा है आपके नाम, पहले वो दे दूं मैं आपको 6,40,000 रुपए का। देवियों सज्जनों जरा ताली बज जाए इनके लिए। ले लीजिए 6,40 का चेक आपका, मैं इसे रख रहा हूं अपने पास क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी आगे आप जाएं। आप कुछ कहना चाह रही थी? आपके साथ डांस करना चाहती। देव साहब से आप पलट के इधर आ गई, बीच बीच में आप सलमान खान के पास चली गई, फिर आपने कहा आप मुझे एक बार जफ्फी मारिए, अब आप कह रही हैं आप मेरे साथ नाचिए। बहुत भयंकर हो रहा है जो भी आप कर रहे हैं। कौशल्य जी एक लाइफ लाइन बची आपकी, अब 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने। सर आप डांस नहीं करेंगे मेरे साथ? आप पहले उत्तर दे दीजिए और बाहर चल के हम लोग नाचते ही रहेंगे, क्या है उसमें। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। बहुत ही ध्यान से आपको खेलना। उससे पहले अगर ये आंसर मेरे को नहीं आया, मैंने क्विट कर दिया तो क्विट मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा आपको? सर, और क्या? आप डांस नहीं करेंगे मेरे साथ? जवाब तो दीजिए पहले। ठीक है सर। 9वां प्रश्न आ गया है कौशल्य जी आपके इस खेल के जीवन में और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और वो प्रश्न रहा ये। इनमें से किस राज्य का नाम भगवान शिव द्वारा भस्म किए जाने के बाद कामदेव के शरीर की राख उस क्षेत्र में पड़ने के कारण पड़ा था? ऑप्शन सुनिए। ए विदेहा, बी मगध, सी विदर्भ या डी अंग? सोच लें आप इसके। मैं सोच रही हूं सर। मानी इतनी जल्दी। लेकिन सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। अगर आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं तो आपके पास एक लाइफलाइन बची है, फोन अ फ्रेंड की। समय अपना आखिरी लाइफलाइन यूज करना चाहिए जी। आखिरी फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके।
कमीना जी, कौशल्या जी, अपनी जो आखिरी लाइफ लाइन है इसका इस्तेमाल करना चाह रही हैं, फोन अ फ्रेंड, इसको अंकित कीजिए और वो तीन नाम बताइए जिनसे ये बात करना चाह रही हैं। ये हैं उज्जवल कुमार बेंगलुरु से, तेज नारायण खेरवार हैं पटना से, और चंद्र किशोर कुमार हैं ये भी पटना से। किन से बात करेंगे आप? मैं तेज नारायण खेरवार को। ओके, तेज नारायण जी को फोन लगाया जाए पटना में, कंप्यूटर महाशय। हेलो, तेज नारायण जी बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे सर, 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 बाप रे, सर, सर, ये कैसे संभव हो सका सर? ये एक बहुत ही अच्छी एक आविष्कार हुआ है जिसको बोलते हैं टेलीफोन। और जानते हैं सर, आपकी एक फिल्म हमने देखी है बागवान। जी जी। और चूंकि आज हम भी गार्जियन के रूप में हैं, बहुत ही दिल से दिल को छुआ। और सबसे बड़ी मान्यता आपके साथ है सर कि आपके नाम में बच्चन लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज नारायण जी, सर जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौशल्य कुमारी जी जो कि भोजपुर से हैं, वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं। सर सर सर, और आप उनकी मदद कीजिए ताकि ये 12,50,000 रुपए जीत जाए। सर सर सर, आपको बताना होगा 30 सेकंड के अंदर कि ये उत्तर सही क्या है। सर सर, अब आप ध्यान से सुनिए। सर सर जी, तेज नारायण जी, अगली आवाज कौशल्य जी की है, और कौशल्य जी आपका समय शुरू होता है अब। अंकल, इनमें से किस राज्य का नाम भगवान शिव द्वारा भस्म किए जाने के बाद कामदेव के शरीर की राख उस क्षेत्र में पड़ने के कारण पड़ा था? ए विदेह, बी मगध, सी विदर्भ या डी अंग। अंकल जल्दी, इसमें विदेह पर हमको ज्यादा संभावना नजर आती है, वैसे हम भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन भस्म होने हो जाने के बाद है, तो विदेह, विदेह पर हमको ज्यादा हम ये कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि उन्हें विदेह लग रहा है, बट मुझे अंग लग रहा है। आपको जो सही लगे वो आपको सोचना पड़ेगा। एक बात और बता दूं आपको, कोड रेड जो है वो अब चालू हो गया, क्योंकि अब चारों लाइफलाइन जब खत्म हो जाती है तभी कोड रेड जो है वो शुरू हो जाता है। भाई साहब, आपको पता होगा कोड रेड के बारे में, ये जो यंत्र आपके सामने है, ये आपके पास अधिकार है, जब आपको कभी लगे कि नहीं अब बेटी को चले जाना चाहिए तो आप उसको दबा दें, केवल संकेत देने के लिए। आपका अधिकार है कि आप उसे माने या ना माने। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए, और अगर गलत हो गया तो आप 3,20 पे आ जाएंगे। कोड रेड पिताश्री, नहीं वहाँ पीछे मत देखिए, उन्होंने दबा दिया है, ये संकेत दे रहे हैं कि आप क्विट कर जाइए, लेकिन आपके ऊपर अब है कि आप इसे माने या ना माने। अंकल ने कंफ्यूज कर दिया मुझे। दुगनी जीत हो सकती है आपकी या दुगनी हार। सर मैं रिस्क लूंगी। रिस्क लेना चाहती? ओके, उत्तर बताइए। सर डील अंग को लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय, अंग डी पे ताला लगाया जाए। सर प्लीज, पिताजी ने आपको आदेश दिया, उसे आपने धिक्कार दिया। आपको मालूम है कि ये धनराशि आपके लिए कितने मायने रखती है? बहुत मायने रखती है सर। 12,50 सही उत्तर है। वेल प्लेड, एक और चेक आ गया। अंग डी इज द राइट आंसर। बहुत खूब सर, दाद देते हम आपको इस खुशी में। डांस तो बन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें चिंता पड़ी है कि आप 12,50 जीतेगा कि नहीं, आपको चिंता है कि हम नाचेंगे कि नहीं। यस, बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी। फिलहाल तो आपको अकेले नाचना चाहिए, बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। क्या बात है, 12,50,000 रुपए जीत गई है। शिव द्वारा भस्म किए जाने के बाद कामदेव को अनंग कहा जाने लगा।
और वहीं से अंग शब्द ये निकला। मैंने वो शरीर की राख उसे तो मैंने सोचा कि शरीर अंग तो बस नहीं नहीं अच्छा अनुमान है। विचित्र तरीके से आप उसका उत्तर ढूंढती हैं लेकिन अंत में वो सही होता है। अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 25 लाख रुपए 10वां प्रश्न कौशल्या कुमारी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा है जिसे उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में अपने कारावास के दौरान लिखी थी। ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राम मनोहर लोहिया या डी लाल बहादुर शास्त्री। ए लग रहा है बट श्योर नहीं हूं। इस जगह पर आकर के श्योर होना बहुत आवश्यक है। यस सर, समय क्विट करूंगी। अंतिम निर्णय? यस सर। कबीर महाशय, कौशल्या कुमारी जी खेल छोड़ रही हैं, क्विट कर रही हैं। अनुमति हम आपको देते हैं कि आप खेल छोड़ें। बहुत बहुत बधाई, आप जीत गई हैं 12,50,000 रुपए। अब आपको हमें बताना होगा किसी एक का नाम। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ए पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। यस। अब आपसे हम विदा लेंगे। आप जीत गई हैं 12,50,000 रुपए और ये चेक अब आपका हो गया है। ओके, बिग हैंड फॉर कौशल्या कुमारी फॉर दिस विक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम देखते हैं। समय आ गया है 10 नए खिलाड़ियों से जुड़ने का। पेश है उनकी एक छोटी सी झलक। सभी यहाँ पैसे जीतने के लिए आते हैं पर कौन बनेगा करोड़पति के मंच से मैं अपने पति और उनका खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहती हूँ। मुझे एक बात हमेशा सताती रहती है, जब से हमारी शादी हुई तब से वो एक ही बात पर गुस्सा करती रहती है, जो है तंबाकू चबाने की। अभी मैं हूँ 21 साल का लेकिन अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हो सकता है कौन बने करोड़पति के बाद नाम और फेम जुड़ जाए तो शायद मेरी भी एक कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। सब बच्चे समर वेकेशन का इंतज़ार करते हैं, मैं भी 28 साल में छुट्टियाँ नहीं ले पाई हूँ, अब मैं भी लंबी छुट्टी के लिए कुछ समय के लिए जाना चाहती हूँ। मैं एक जाट हूं और जाट के लिए ज़मीन उसकी शान होती है। मेरे पास अब ज़मीन ना होने की वजह से मैं अब गवर्नमेंट की ज़मीन पर रह रहा हूं और अब मैं अपनी खुद की ज़मीन खरीदना चाहता हूं। अपने पति के गुजर जाने के बाद मैंने अपने दम पर अपने परिवार को संभाला है और आज कौन बनेगा करोड़पति पर भी मैं अपने दम से आई हूँ। हैंस हो या सिस्टम, सफाई सबकी ज़रूरी होती है और मैंने मेरे गांव से भ्रष्टाचार हटाने की शुरुआत कर दी है और हार्ट सीट पर आकर मैं पूरी तरीके से 100% मेरे गांव से भ्रष्टाचार साफ कर दूंगा। जो भी मुझे पेंशन मिलती है वो दवाइयों और घर के खर्चे में ही लग जाती है। कौन बनेगा करोड़पति मेरे परिवार के लिए एक लाइफ लाइन है। मैंने और मेरे पति ने अपनी गृहस्थी लोन से शुरू किया, पढ़ाई भी लोन से की, मैरिज भी लोन से की, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी लोन पर निर्भर रहे। मेरी प्रॉब्लम वही है जो हिंदुस्तान के हर दूसरी लड़की की होती है, जो अपना घर को सपोर्ट करती है लेकिन शादी हो जाने के बाद उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता है। या या। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस मंच पर, कौन बनेगा महाकरोड़पति पर। तो अब आपका ध्यान देवियों सज्जनों हो जाना चाहिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे पूर्व दिशा से शुरू कर इन सार्क देशों को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के अनुसार लगाएं और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मालदीव्स, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। मैं
समाप्त हो गया है समय, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बांग्लादेश डी, उसके बाद आता है सी श्रीलंका, फिर ए मालदीव और अंत में अफगानिस्तान। डी सी ए बी, ये है सही क्रम। और इस क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल दो और सबसे तेज अंतर सिंह, बहुत बहुत बधाई सर आपको। वाह वाह, अरे ये बस किया, बहुत बधाई, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। आइए कम एंड सिट, बिग हैंड फॉर अंतर सिंह। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है भिवानी हरियाणा से आए एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों। इनका नाम है अंतर सिंह। इनका मानना है कि जाट तब तक जाट नहीं माना जाता जब तक कि उसके पास खुद की जमीन ना हो। अंतर सिंह जी, ये बड़ी एक विचित्र सी धारणा है लोगों का, ऐसा सोचना है सर। वो सोचते हैं कि अगर जमीन होगी तो ये हमारी लड़की को कल इसकी शादी हो जाए तो क्या पता भाई गुजारा चला सकता है। वो ये नहीं सोचते कि अगर पढ़ा लिखा बंदा है कल नौकरी मिल जाएगी तो भी गुजारा चला सकता है। एक मानिए सर आप, अगर ज़मीन है और सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, चार पाँच साल फिर क्या काम आई वो जमीन। मतलब ये ऐसी रीत है कि जाट के पास ज़मीन होनी चाहिए, चाहे हो चाहे एक या दो एकड़। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास है ही नहीं है तो सरकारी ज़मीन में रह रहे, इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। आप अपने साथ में अपनी माता श्री को लाए हैं और उनको हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, और आपका स्वागत। तो अंतर सिंह जी, गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। थोड़ा गेम शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी अवश्य। मैं सर आपको ताऊ जी कह के पुकारना चाहूँगा। ताऊ जी, यस, हाईएस्ट रिगार्ड इन हरियाणा। सर ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे ताऊ बुला रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है सर, मैं आपको ताऊ जी पुकारूँ। बड़ी कृपा है सर आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। बयालीस बटे तीन प्रश्न, यानी 14 प्रश्न आपके सामने आएंगे। बिल्कुल। और यदि आप किसी प्रश्न में अटक जाएंगे तो चार जीवन धाराएं आपके सामने हैं। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है, त्रिगुणी। और तो चलिए बस शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिल सकते हैं 5,000 रुपए। और वो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। एफिडेविट, समन और रिट किस पेशे में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के शब्द हैं? ऑप्शन सुनिए, ए मेडिकल, बी इंजीनियरिंग, सी लीगल या डी पॉलिटिक्स। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानूनी या राजनीति। कानूनी सर, सी सर। सी चोर है, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सर, कानूनी सी पे ताला लगा जाए, कंप्यूटर मार जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अरे समय समाप्त हो गया अंतर सिंह जी। देखिए हमारी एक प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उनसे जरा बातचीत कर लें। यस सर, बिल्कुल सर। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज के विजेता कौन है घर बैठे जीतो जैकपॉट के? इनका नाम है जेफरी केनेथ जेरेमिया, ये दिल्ली से है। और इनको फोन लगाया जाए जेफरी जी को। हेलो जेफरी जी, बोल रहे हैं जी? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से बताइए सर। सर आपको मैं सूचना देना चाह रहा हूँ कि आपने जो घर बैठे जीतो जैकपॉट में प्रश्न का सही उत्तर दिया है और आप 1,00,000 रुपए जीत गए, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। जेफरी जी हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है जी, अगर इसका आपने सही उत्तर दे दिया और खेले तो आप 2,00,000 रुपए और जीत सकते हैं। तो आप खेलना चाहेंगे ये जैकपॉट प्रश्न या नहीं? क्योंकि देखिए एक बार आपने अनुमति दे दी खेलने के लिए और प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने गलत, तो फिर ये 1,00,000 रुपए भी आप खो देंगे। नहीं, मैं खेलना चाहूंगा। खेलना चाहेंगे आप? ओके कबीरा महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। किसने 2014 फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए जेम्स रॉड्रिगेस, बी लियोनेल मेसी, सी
क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डी नेमा? मेसी। मेसी ताला लगा दिया जाए? लियोनेल मेसी बी पे ताला लगा जाए? इज द राइट आंसर। वेल प्लेड जेफरी, आप जीत गए हैं 3 लाख रुपए। थैंक यू सो मच सर। तो देवी और सज्जनों, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन अब आप मिलने वाले हैं बंटी भैया से। वही बंटी भैया जो पिछले कुछ दिनों से आपके घर पे आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोनी पर हाल ही में शुरू हुए एक नए धारावाहिक जिसका शीर्षक है हम है ना। ये कहानी है बंटी की, जो एक परफेक्ट बेटा है और भाई भी है, पर क्या वो परफेक्ट पति बन पाएगा या नहीं, ये तो आपको धारावाहिक देखने के बाद ही पता चलेगा। ये जानने के लिए देखते रहिए हर सोमवार से गुरुवार रात 9:30 हम है ना। और अब मैं आग्रह करूंगा कि बंटी जी स्वयं यहां पर पेश हों। बंटी जी कहाँ हैं आप, आइए। देवी और सज्जनों, बंटी जी। और ये हमारा जो नया धारावाहिक है सोनी पर हम है ना, उसके ये मुख्य कलाकार हैं। यस सर। आपके हम सब प्रोमोज वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और वो घाट के ऊपर आप अपनी माता जी को उठा लेते हैं और जितनी लड़कियां हैं वो थोड़ी सी निराश भी हैं, थोड़ी सी खुश भी है। कुछ कहते हैं कि माता को सारा ध्यान दे देगा, ये शादी के बाद अपनी पत्नी को भी देगा। सर मेरी खुद की माता बहुत निराश है, बोलती है कभी हमें भी ऐसे उठाया करो। आपने अभी तक नहीं उठाया माता जी को? चलिए, ये एक्चुअली आप गए थे ये बनारस के घाट? जी सर, ये हमने जो प्रोमो शूट किया गंगा घाट पे किया था, तो बनारस का मजा तो बनारस में है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं आपको बंटी और आपका धारावाहिक ये खूब चले, यही हम सब की आशा है। तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच बंटी सर, बीवी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी गाइस। तो देवी और सज्जनों, अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।